हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी एक फेवरेट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। देयर वॉज अ बिग जंगल, एक बहुत बड़ा जंगल था और वो जंगल में बहुत सारी एंट्स रहती थी और उसके आसपास कुछ ग्रास हॉपर्स भी रहते थे। इट वॉज अ समर टाइम, बहुत गर्मियों के दिन आ गए थे। सो ग्रास हॉपर वॉज वॉकिंग अराउंड एंड सिंगिंग ला 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 ला। वो अपने गानों के धुन में खो गया था। एंट्स बहुत सारा काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ना कि एंट्स हमेशा समर टाइम पे बहुत सारा फूड स्टोर कर लेती है ताकि विंटर टाइम में जब बहुत ठंडी हो तो उनको बाहर निकल के फूड ना ढूंढना पड़े, खाना ना ढूंढना पड़े। तो अपना बहुत ही हार्ड वर्क के साथ अपना खाना कलेक्ट कर रही थी। जब उन्होंने ग्रास हॉपर को देखा कि वो ऐसे ही घूम रहा है, खाना कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने ग्रास हॉपर को पूछा, अरे ग्रास हॉपर, तुम ऐसे घूम रहे हो, गाना गा रहे हो, क्या तुम्हें फूड कलेक्ट नहीं करना है? थोड़े दिनों में विंटर आ जाएगा, फिर आप क्या खाओगे? तो ग्रास हॉपर ने बोला, ठीक है ना, विंटर आने को थोड़ा टाइम है, मैं जरूर तब कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। फिलहाल तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो खूब खेलूंगा, गाऊंगा, मजा करूंगा। एंट्स ने बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम तो हमारा काम कर लेते हैं। तो वो अपना काम करने में जुट गई, एकदम बिजी रहती थी हमेशा, और ग्रासहॉपर हमेशा कुछ ना कुछ खेलता रहता था। फिर थोड़े दिनों के बाद विंटर आ गया। इट वॉज सो कोल्ड, इट वॉज स्नोइंग। तभी ग्रास हॉपर ने अपने किचन में जाके देखा तो उसके पास तो थोड़ा सा ही खाना बचा था, क्योंकि उसने तो समर में काम किया ही नहीं, कुछ खाना बचा के रखा ही नहीं। अब क्या करे, अब क्या करे? फिर उसे याद आया जो एंट्स ने उसको बोला था कि हमें हमेशा अपना काम सही टाइम पे करना चाहिए और फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में सोच के प्लान करके रखना चाहिए। अभी उसके पास खाना तो था नहीं। फिर एक दिन वो एंट के पास गया, प्लीज 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 मुझे खाना दे दो, मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। तो एंट्स ने बोला, इस बार तो हम आपके साथ शेयर करेंगे बिकॉज आपके पास खाना नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज वर्क हार्ड इन द समर, समर टाइम पे विंटर के लिए खाना कलेक्ट करके रखो ताकि तुम्हें भूखा न रहना पड़े। ग्रासहॉपर ने बोला, श्योर, आई विल डेफिनेटली डू इट नेक्स्ट टाइम। आई होप यू हैड फन किड्स। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।